लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। भारत देश अतुल्य है, ये त्योहारों और उत्सवों की धरती मानी जाती है। यहाँ व्यक्ति के आपसी संबंधों और जुड़ाव को भी त्योहारों के जरिए प्रकट किया जाता है। रक्षाबंधन, भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यूं तो हमारे देश में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण इस त्योहार को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। परंपराओं का यह एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ हर सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। इसलिए ये पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। रक्षाबंधन का अर्थ है एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। भाई और बहन इस दिन एक दूसरे के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और भाई शगुन के तौर पर बहनों को तोहफा देते हैं। भाई अपनी बहन को हर मुश्किल परिस्थिति में रक्षा करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाने का वचन देते हैं। वहीं बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। राखी बांधना सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। आज के दौर में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारना नहीं है, बल्कि राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा व विश्वास का धागा बांधता है वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्व को स्वीकार करता है, उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा लोकप्रिय है। महान ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पतंग उड़ा रहे थे। उस समय धागे की वजह से श्री कृष्ण की उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस प्रेम से भावुक हो गए और उन्होंने आजीवन सुरक्षा का वचन दे डाला। मान्यता है कि जब कौरवों की राज्यसभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने उस वस्त्र को असीमित बना दिया। फलस्वरूप कौरव द्रौपदी का चीर हरण करने में असफल रहे। इसी कारणवश द्रौपदी की लाज बच गई और श्री कृष्ण ने भाई का फर्ज निभाते हुए उनकी रक्षा की। भाई और बहन के प्रतीक रक्षाबंधन से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। मृत्यु के देवता यम और यमुना नदी की पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना ने एक बार मृत्यु के देवता यम की कलाई पर धागा बांधा था। उन्होंने यम को स्नेहपूर्वक अपना भाई माना। यम इस बात से इतने प्रभावित हुए कि यमुना की सुरक्षा का वचन देने के साथ ही उन्होंने ये भी वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसे वह लंबी आयु का वरदान देंगे। कोई भी रिश्ता किसी खास दिन या उत्सव पर आश्रित नहीं होता, पर फिर भी ये त्योहार हमारे जीवन में नई उमंग लेकर आते हैं। लाइव सिटीज एस्ट्रो चैनल की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज एस्ट्रो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।